फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, हम बहुत एक्साइटेड है। हमें मतलब हम बयान नहीं कर सकते कि हम कितना एक्साइटेड है फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए। बहुत ज़्यादा फीफा का क्रेज़ है कश्मीर में, क्योंकि जो पॉपुलर प्लेयर्स हैं रोनाल्डो है, मेसी है, ग्रीज़मैन है, नेमार है, तो उनकी फेम मुझे लगता है अभी कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। जो फुटबॉल देखते हैं और जो फुटबॉल खेलते भी हैं तो उन्हीं को देखना पसंद करते हैं। आज से इसका पहला मैच स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ये कश्मीरी बहुत देखने वाले हैं फीफा। बहुत से ऐसे लड़के मैंने देखे हैं लाइक दे आर यू नो गियरिंग अप फॉर दिस इवेंट, लाइक दे आर बाइंग मर्चेंडाइज एंड एवरीथिंग, और बहुत पैशनेट है वो इस वर्ल्ड कप को के रिलेटेड। यू नो हम फीफा वर्ल्ड कप इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और देखने को मिलता है, और हम खुद चाहते हैं हम उस मैच में खेलना चाहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, हम जब देखते हैं तो हमें भी वो चाहत होती है कि हम भी इस लेवल तक पहुँचे। इफ यू टॉक अबाउट कश्मीर पर्टिकुलरली, तो फुटबॉल फीवर बहुत ज़्यादा जोश में वापस आ रहा है थ्रू दिस वर्ल्ड, जैसे कि वर्ल्ड कप है आने वाला है, तो फुटबॉल फीवर जो है यहाँ के फैंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे जो बहुत सारे क्लब्स को सपोर्ट करते हैं। आई पर्सनली सपोर्ट पोर्चुगल, तो इस वर्ल्ड कप की वजह से फुटबॉल फीवर बहुत जोर शोर खरोश से आ रहा है इस वैली में वापस। फुटबॉल के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से कोई पैसे कितने भी दे तो हम पैसों को भी छोड़ सकते हैं उसके लिए, इतना हमारे अंदर फुटबॉल है। हमारा पैशन भी फुटबॉल है और हमारा ड्रीम भी फुटबॉल है। जब से रियल कश्मीर ने क्वालिफाई किया है तो उस टाइम से बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है यहाँ पे, यहाँ की जो यूथ हैं उनमें क्रेज़ बढ़ रहा है, हद से ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है, क्योंकि जो सीनियर अली के होम मैच हैं वो यही पेटीआरसी में होते हैं। ये जो आज रियल कश्मीर का मैच था यहाँ पर, आप लोगों ने देखा ही होगा कि यहाँ पर कितना क्राउड था मैच देखने के लिए, और ये इंडियन की लीग है, इंडियन लीग है, आई लीग है, जो फिर फीफा वर्ल्ड कप है वहाँ पर मेसी खेलते हैं, रोनाल्डो खेलते हैं, इतने सारे प्लेयर्स के वहाँ, यंग प्लेयर्स के वो आइडल्स है, तो वहाँ पर कितना क्राउड होगा और वहाँ पर कितना सपोर्ट करेंगे उन टीम्स को खेलने के लिए। फुटबॉल के लिए यहाँ का यूथ बहुत ही एक्साइटेड है, जैसा कि मैं देखता हूँ हर जगह हर किसी ग्राउंड में, लाइक बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल के लिए बहुत पैशनेट है। फुटबॉल एज सच मतलब उनके लिए एक लाइफ सेवर भी बन जाता है बहुतों के लिए, लाइक इतना पैशनेटली खेलते हो फुटबॉल, बट यहाँ पे उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अलबत्ता फुटबॉल के लिए एक्साइटमेंट बहुत है, बहुत एक्साइटेड है लोग फुटबॉल के लिए। सपोर्ट है वो बहुत कम है फुटबॉल को, इसीलिए यहाँ पे फुटबॉल थोड़ा सा कम दिख रहा है, वरना फुटबॉल यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। तो यही प्रॉब्लम है कश्मीर के प्लेयरों के लिए, वरना यहाँ के प्लेयर जो है बहुत टैलेंटेड है और यहाँ के प्लेयर जो है आराम से बाहर भी खेल सकते हैं। यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है, जैसे आप बाहर की स्टेट्स में देख रहे हो वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम चल रहा है अभी, क्यों प्लेयर को ज़्यादा टाइम मिल रहा है उसकी गेम पे फोकस करने के लिए, वो दिन भर वहीं पे रहता है, एकेडमी में रहता है, स्टडी भी अपनी वहीं पे करता है, तो उसको अच्छा टाइम मिलता है, गेम टाइम भी उसको अच्छा मिलता है, और वो बाकी जो उसके काम है उस पर नज़र रहती है, जो उसका ये मेन मोटिव है वो उसका फुटबॉल है, तो वो ज़्यादा फोकस वहीं पे कर पाता है। आप देख रहे हो परसों बर्फ़ पड़ेगी, विंटर्स आएंगे बर्फ़ पड़ेगी, तो प्लेयर को उतना टाइम नहीं मिलेगा, वो खेल पाएगा 2 महीने, 15 दिन, 1 महीना ग्राउंड बंद हो जाता है, तो फिर प्लेयर अपनी प्रैक्टिस जारी नहीं कर पा रहा है ग्राउंड में, तो वही मेन वजह है यहाँ से इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स अभी नहीं निकल रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी टीम हो चुकी है यहाँ पे, अब यहाँ के प्लेयर्स भी बाहर खेलने लगे हैं, जैसे दानिश फारूक हैं वो भी अभी इंडिया टीम में खेलता है, तो ऐसे ही हम ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे से। सबसे ज़्यादा मज़ा मैच में आता है तो वो होता है अर्जेंटीना वर्सेस पुर्तगाल, क्योंकि आमने सामने दुनिया के 2 बड़े प्लेयर्स होते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। मेरी फेवरेट टीम तो पुर्तगाल है, आई सपोर्ट पुर्तगाल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो पुर्तगाल जीतने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है और मैं सपोर्ट भी उन्हीं को करता हूँ, क्योंकि उनमें मेरा फेवरेट प्लेयर खेलता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मेरी फेवरेट टीम अर्जेंटीना है, तो मुझे लगता है इस साल वो उठाएंगे ट्रॉफी, उठाएंगे वो इस साल फीफा की। जो मेरी फेवरेट टीम है वो पुर्तगाल है, जो आज लगता है कि फीफा वर्ल्ड कप जीतेंगे। जो मेरा फेवरेट प्लेयर है वो रोनाल्डो है। मेरी फेवरेट टीम पुर्तगाल है और मेरा फेवरेट प्लेयर मेसी है, और मैं चाहता हूँ कि इस साल फीफा वर्ल्ड कप पुर्तगाल जीते। ब्राज़ील जीतेगी, क्योंकि नेमार मेरा फेवरेट प्लेयर है और मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ।